जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र में छठवां अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार चल रहा था। इसमें अपन ने जान रहे थे कि नाम कर्म की जो प्रगति में तीर्थंकर प्रगति जो है वह उत्कृष्ट और पावन और प्रगति है, जिसके आश्रव से तीर्थंकर प्रगति नाम का कैसे कैसे आश्रय होता है उसके बारे में जानना था। यहाँ पर अपन ने कल 8 मदों के बारे में जाना था कि दर्शन विशुद्धि में 8 शंका आदि और 8 मद आदि, ये 25 दोष आदि होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 8 मद में कल अपन ने बल मद के बारे में देखा था, अपनी शक्ति का गर्व करना। देखिए, शारीरिक शक्ति होती है और उस शक्ति के बारे में अपने अंदर अहंकार करना कि मैं कितना बड़ा शक्तिशाली जीव हूँ, इस प्रकार का अहंकार भी दर्शन विशुद्धि में क्या दोष पैदा करता है। आज आगे के तपों के बारे में और आगे और भी चर्चाएं अनेक करेंगे, तो तप मद और रूप मद के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले जो 24 नंबर का सूत्र है उसका बोर्ड में एक बार अवलोकन कर लेते हैं। छठवें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र है। यहाँ पर संधि विच्छेद करके सूत्र को आपको पढ़ने को सिखाया जा रहा है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृतेषु अनतिचारहा अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितः त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तकरणम अर्हत आचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ये सभी जो भावनाएं हैं ये तीर्थंकर प्रगति के आश्रव के कारण हैं, जिसमें अपन अभी दर्शन विशुद्धि के बारे में समझ रहे थे, 8 शंका आदि दोषों के बारे में जाना, 8 मदों में भी 6 प्रकार के मदों के बारे में कल चर्चा हुई थी, आज जो 2 मद बचे हैं उनकी चर्चा और आगे और भी जो दोष हैं उनकी चर्चा भी करते हैं। 8 प्रकार के मद में कल देखा था ज्ञान मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद। आज अपन देखेंगे रिद्धि का मद, तप का मद और रूप का मद। रिद्धि का मत मतलब क्या है? ऐश्वर्य का मद, किसी व्यक्ति के पास बहुत ऐश्वर्य संपन्न हो, ऐश्वर्य मतलब उसके बाह्य वैभव आदि। तो पुण्य के उदय से, साताभिर्नी कर्म के उदय से जीव के पास बहुत बाह्य वैभव उत्पन्न हो जाता है। बाह्य वैभव जैसे कि आपका घर है, मकान है, दुकान है, धन दौलत संपत्ति पुत्र परिवार आदि, ये सब क्या हैं? आपके बाह्य वैभव हैं। ऐसे ही मुनिराज के बाह्य वैभव में संग है, चेला चेली हैं और शिष्य शिष्याएं हैं, ये सब बाह्य वैभव है। अरहंतों के बाह्य वैभव में समूह शरण आदि हैं, 12 सभाएं हैं, ये सब बाह्य वैभव हैं। ये किससे प्राप्त होती हैं? ये सब साताभिर्नी कर्म के उदय से, उत्कृष्ट पुण्य के उदय से ये सब बाह्य वैभव की प्राप्तियां होती हैं। इनकी प्राप्ति होने पर रिद्धि का मत करना, देखो मेरे पास अपना घर है, मेरी अपनी स्वयं की दुकान है, तुम क्या समझते हो मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ, कोई किराए की गाड़ी से नहीं आता हूँ। तो इस गाड़ी का मत करना, घर का मत करना, परिवार में मेरे पास 2-2 बेटे हैं, लड़की भी है, पत्नी भी है, माता पिता भी हैं, तो इस प्रकार का अहंकार करना, भाई भौतिक वस्तुओं का क्या अहंकार करना, एक क्षण अभी तुम्हारे पास है
और एक क्षण बाद वो तुमसे विदा हो सकते हैं या तुम उससे विदा हो सकते हो। आजकल कैसी महामारी बीमारी आई, लोगों के पास अरबों रुपए थे और अरबों रुपए होने के बाद भी वो कुछ काम नहीं आए। किसी को बेड नहीं मिला, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को स्थान नहीं मिला, कोई अस्पताल तक पहुंच नहीं पाया और किसी को तो पता भी नहीं चला वो व्यक्ति कब मर गया। क्या हुआ? सारा का सारा वैभव, सारी की सारी रिद्धियाँ सब यहीं पड़ी रह गई, कोई तुम्हारे काम नहीं आई। विद्याधर जो होते हैं देव, उनके पास कितनी रिद्धियाँ होती हैं, वो रिद्धि यहीं रह जाती हैं। देवों के पास अणिमा मणिमा गहिमा लगमा आदि कितनी रिद्धियाँ होती हैं, वो सारी की सारी रिद्धि जब आयु कर्म समाप्त होता है सब छूट जाती हैं। वो सब कुछ वैभव जो है तुम्हारा पुण्य का, वो सब यहीं छूट जाता है, कुछ भी शेष तुम्हारे पास नहीं बचता है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों को लेकर के और छोटे छोटे वस्तु भोगों को लेकर के इतना अहंकार में फूल जाते हैं कि कुछ हम किसी व्यक्ति को सामने वाले को समझते ही नहीं हैं कि एक व्यक्ति भी है या नहीं है, उसको तुच्छ श्रेणी में हम समझने लगते हैं। हर व्यक्ति को अपना ये वैभव का जो मद है वो बहुत ही उसे दुख देता है। ध्यान रखना, तुम सोचते हैं वैभव के मत से हम सुखी होते हैं तो सुखी नहीं होते हैं। उसका बैलेंस बनाने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए आदमी कितना दुखी होता है, कितना उसको कष्ट होता है, उसके लिए उसे कितनी मेहनत, कितना छल, कितना कपट, कितनी मायाचारी करना पड़ती है, कितना झूठ आदि बोलना पड़ता है। ये सब क्या है? दुखी तो हैं। संसार में जिसके पास वैभव है वो यदि सुखी होता तो फिर तो बहुत अच्छा था चक्रवर्तियों के पास वैभव, फिर तो बहुत अच्छा वैभव तीर्थंकरों के पास होता, फिर उनको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव था, क्यों घर छोड़ा, क्यों वस्त्र छोड़ दिए, क्यों जंगल में जाकर के मुनि बन गए, क्यों तपस्वी हो गए? तीर्थंकरों के पास क्या कमी थी, लेकिन सब बाह्य वैभव छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वैभव के बीच में कोई सुखी नहीं रह सकता, सदा ही आकुल व्याकुल रहेगा, संक्लेश परिणाम रहेंगे और निश्चित ही ये जितने वैभवशाली थे महादुखी होंगे। तभी घर छूटा, तभी बैराग हुआ कि मुझे नहीं संभालना है वस्तु, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं निर्विकल्प रहना चाहता हूँ। इसका मतलब वैभव में सुख नहीं मिला, वैभव को छोड़ने के बाद परम सुख की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार का अहंकार तुम्हारे पास है ही कितना? वर्तमान में किसी के पास अपनी कोठी बंगला पैसा धन दौलत हो जाए तो इतना अहंकार करता है, अरे तुम चक्रवर्ती के चपरासी के लायक भी नहीं हो। इतना तो चक्रवर्ती के चपरासी जो होता है ना, उसके पास भी वैभव इतना होता है कि तुम्हारे पास जो आज तुम कहलाते हो, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े इसे विश्व के 1 नंबर के 2 नंबर के, क्या बोलते कि हम आदमी हैं, जितना पैसा हमारे पास है हम टॉप 10 में हैं, चपरासी भी बड़ा होता है चक्रवर्ती का इससे बड़ा। तो तुम्हारे पास तो कोई वैभव भी नहीं है और तुम इतना अहंकार करते हो। कभी ऐसे अहंकार मत करो। एक सेठ था, समोषण आया महावीर स्वामी का, बोले अच्छा महावीर स्वामी आए हैं, मैं अपना पूरा वैभव लेके साथ चलूँगा। तो उन्हें कई रथ, कई घोड़े, कई हाथी, जो सेठ बड़ा बहुत बड़ा सेठ था और पूरा संपदा वैभव पत्नी परिवार और सारे ऐसे लेके जा रहा गाजे बाजे के साथ समोषण के दर्शन के लिए। सौधर्म इंद्र ऊपर से आ रहा था और उनने उसके अवधि ज्ञान से देखा सेठ के अंदर बहुत अहंकार है अपनी वैभव का, अपनी संपत्ति का दिखाने का, और 3 लोग के साथ सामने अपना अहंकार दिखाएगा, ओहो। तो क्या किया उसे सौधर्म इंद्र ने, अपनी विक्रिया से पूरा का पूरा ऐसा वैभव बनाया और उसके बाजू से अपना पूरा रथ निकाला और पूरा अपना वैभव निकाला। और जब उसको सेठ ने ऐसे करके देखा, अरे मेरे से भी कोई बहुत बड़ा शक्तिवान है, शक्तिशाली है, और मैं इस तुच्छ वैभव पर अहंकार कर रहा हूँ, और ये देखो इतना वैभवशाली, सारा अहंकार क्या हो गया, गिर गया। ऊँट तभी तक अहंकार करता है जब बड़े पहाड़ के नीचे नहीं आता है, वरना अपने आप को बड़ा अहंकारी मानता है, ये छोटे जीव और मैं कितना बड़ा जीव ऊँचा हूँ, ठीक है ना। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे हम संसारिक प्राणी हैं, ना चाहते हुए भी हम बहुत चीज़ों का अहंकार कर ही लेते हैं, जैसे हम यहाँ रहते हैं, हम ये पहनते हैं, हमारे बच्चे ये करते हैं, हमारे हस्बैंड का ये काम है, तो हम जो ये सब अहंकार करते हैं, इन सब अहंकार के दोषों से हमें कौन सी गति की प्राप्ति होगी? जो अपने रिद्धि वैभव का बहुत अहंकार करता है
उसके लिए आचार्यों ने अपने छठवें अध्याय में ही पन्ने पढ़ा था कि उसको लेकर के अहंकार करने वाला या उसको लेकर के मरने वाला व्यक्ति जो है बहवारम परिग्रहतम नारकस्य उसहा, वह नरक आयु का आश्रय करता है, नरक गति में प्रवेश करता है। उस बाह्य वैभव में अहंकार के साथ मायाचारी रूप परिणाम करता है और त्रयंच गति का बंध बांधता है, तो सर्प आदि बन करके उस धन वैभव आदि की रक्षा आदि करता है। और यदि उसी बाह्य वैभव के साथ थोड़ा सा मन में सरलता हो और वह मनुष्य आदि बनता है, तो वह चपरासी आदि बनकर के उस धन वैभव आदि की रक्षा आदि करने में लगता है। और यदि इसी प्रकार से धन वैभव आदि के परिणाम से वह मरण करता है और बाई चांस देवगति को प्राप्त होता है, तो वह वैंतर आदि बनकर के भी धन परिग्रह की रक्षा आदि में लगा रहता है। तो इस प्रकार से हमारी ऐसी ऐसी खोटी गति हो जाती है कि दूसरी पर्याय में जाने के बाद भी हमें यही कार्य करना पड़ता है। और यदि अल्प बहुत सारे परिग्रह और आरंभ में आसक्त होकर मरता है संकलेश परिणाम लेकर के कि हाय मेरा पैसा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मरते मरते भी उसे अपने धन दौलत संपत्ति की चिंताएं रहती हो मरता है, तो ऐसे संकलेश परिणाम से यदि आयु का बंद होता है तो निश्चित ही नरक आयु का आश्रय होता है और उसे नरक गति में जा कर के बहुत दुख उठाना पड़ते हैं। इस प्रकार का अहंकार हमारे लिए घातक हो सकता है, हमें किसी प्रकार का रिद्धि वैभव संपदा का अहंकार नहीं करना चाहिए। सातवां नंबर का है तप मद। तप का मद, हम अपने शरीर के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार के घोर तप लेते हैं और उसमें जैसे अनशन का तप, अमौदर्य का तप, वृत्ति प्रसंख्यान का तप, रस का तप, काय क्लेश का तप, विविक्त संयासन का तप, इस प्रकार के जो बाह्य तप हैं उन तपों का क्या करना, अहंकार करना। जैसे किसी व्यक्ति को मैं एक उपास, दो उपास, दस उपास महीने में कर लेता हूँ तो उसको उपवास का अहंकार होने लग जाए। कोई रस का त्याग कर लेता है तो रस का अहंकार, देखो भैया मैं ये रस छोड़ता हूँ वो रस छोड़ता हूँ, इस संडे को ये, मंडे को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, तो उसको उसका अहंकार होने लग जाए। तो इस प्रकार से उस तप का मद करना, अमोदर का कम भोजन करने का मद करना, विधि लेने का मत करना कि देखो मैं विधि लेकर के भोजन करता हूँ, जब विधि मिलती है तो मैं भोजन करता बनना, आप भोजन नहीं करता हूँ, आहार नहीं करता हूँ, उसका उसको अहंकार होने लग जाए। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि अपने शरीर को संतापित करके जो गर्व पैदा करता है, अपने शरीर को एन केन प्रकारण अनेक प्रकार से शरीर को संतापित करता है और उसके कारण उसको एक अहंकार का रस मिलता है कि मैं पर्वत में खड़ा हुआ हूँ, मैं धूप में खड़े होकर घंटों घंटों समय करता हूँ, मैं पर्वत की चोटी में खड़े होकर के समय कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से क्यों जग में यश नाम आदि मिलेगा, तो उस तपस्या को इसलिए करके अपने अहंकार पुष्टि, जगत में जय जयकार हो कि इन जैसा तपस्वी तो जगत में हमने देखा नहीं, ऐसी तपस्या अहो भाग, ऐसे कान में वो लोगों के ऐसे शब्द सुनना चाहता है, कानों के माध्यम से लोगों से प्रशंसाएं सुनना चाहता है अपनी तपस्या की, अपने त्याग की, और इस प्रकार से सुनकर के अहंकार करता है, फूल जाता, अच्छा तो ठीक है इस बार 14 को आने दो फिर उपास, फिर अष्टमी को आने दो फिर उपास, फिर 10 लक्षण पर्व आएगा तो थोड़ा 10 उपास फिर लो, तो ये क्या है, सिर्फ ख्याति लाभ पूजा आदि चाह आदि के लिए तपस्या करना। भैया तपस्या का अर्थ आचार्यों ने क्या बोला है, तपसा इच्छा निरोधा तपहा, इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाएं जितनी भी संसारिक इच्छाएं हैं वो उन सब इच्छाओं से परे हो जाना, कोई ख्याति नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ की प्राप्ति नहीं, कोई प्रशंसा की प्राप्ति नहीं, ये कोई इच्छाएं नहीं हैं, मात्र मेरे कर्मों की निर्जरा हो, तपस्या से समता आना चाहिए,
तपस्या से समस्त जीव के प्रति समता का परिणाम प्रकट होना चाहिए। कहीं राग नहीं और कहीं द्वेष प्रकट नहीं होना चाहिए। तपस्या से महाज्ञान प्रकट हो, वैराग्य प्रकट हो, कर्मों की निर्जरा हो, बहुत विशुद्धि भाव हो, समाधि मरण की तीव्र भावना हो, ये सभी मुक्ति की चाह हो। इच्छा निरोध में तो वैसे इच्छाओं का निरोध है, फिर भी मुक्ति की इच्छा, संसार के भौतिक वैभव की या प्रशंसाओं की इच्छा ना हो, इस प्रकार की तपस्या से ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो छोटी मोटी तपस्या जगत में देखते हो, लोग साधु बन जाते हैं, कहीं बाल बड़े कर लिए, कहीं नाखून बड़े कर लिए प्रशंसा के लिए, कहीं बाल से कहीं ट्रक खींच रहे हैं, कहीं गाड़ियां खींच रहे हैं, कहीं दांतों से पत्थर उठा रहे हैं और अग्नि में कूद रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, और कितनी प्रकार का अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपनी, कि मैं कठोर साधना करके आया हूँ, मैं जमीन के अंदर 6 महीने रह के आया हूँ, जल के अंदर रह के आया हूँ, पहाड़ की चोटी में रह के आया हूँ, इस प्रकार से जगत को आकर के अपनी तपस्या का प्रदर्शन। तपस्या प्रदर्शन के लिए नहीं होती है, तपस्या आत्मदर्शन के लिए होती है, जिससे हमें अपनी शुद्ध आत्मा का दर्शन हो, अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा का दर्शन हो, इसके लिए तपस्या होती है। और इस प्रकार से हम तपस्याओं का अहंकार करते हैं तो कहते हैं आचार्य, वो तप का मद है। छोटा सा भी तप का मद है तो वो मद विशुद्धि का कारण नहीं हो सकता है। दर्शन विशुद्धि में बहुत बाधक है, ये बात ध्यान रखना, तो हमें तप का मद भी नहीं करना है। अंतिम है, लास्ट है, रूप मद। रूप का मद संसार में बहुत ज़्यादा है। देखिए, अपन सारे मदों को देखें तो रूप और रुपया, ये दो मद जो हैं व्यक्ति के अंदर इतने भरे हुए हैं जिसे वह हमेशा उसका रस पीता रहता है। रूप का मत करोगे तो त्रियंच बनोगे, त्रियंच पर्याय में जाना पड़ेगा। रूप के मत के लिए कितनी मायाचारी भी करना पड़ती है आपके लिए, और उसके लिए फिर कौन सी पर्याय, त्रियंच, गधा, गधी, ये सब पर्याय में जाओगे। अब करो रूप का मत, ऐसा रूप का मत तुमने किया कि तुम्हारा रूप ही कोई देखना नहीं चाहता। अब जानवरों को कौन देखना चाहता है, देखते ही नकार देते हैं, अपने को हटा लेते हैं। इसका मतलब है कि हम उनकी पर्याय को देख नहीं पा रहे हैं, ये रूप मत का ही तो फल है। तो रूप का मत नहीं करना, यौवन की रमणीयता को देख करके कि देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, कितना आकर्षण दिखता हूँ, और लोग तो रूप के मत को बनाने के लिए तरह तरह के उपयोग भी करते हैं। कोई काला व्यक्ति है तो गोरा कैसे हो जाऊं, उसके लिए तरह तरह के प्रयोग साधन आदि करते हैं, जिससे मैं क्या हो जाऊं, गोरा हो जाऊं। यदि आपके बाल सफ़ेद हैं तो काले करने के लिए कितने प्रयास करते हैं, तो तरह तरह के सामग्री। और देखिए, जितना भी अनुसंधान हैं, ये सब शरीर संबंधी अनुसंधान हैं। जितनी खोज हो रही है, सिर्फ शरीर की खोज हो रही है, आत्मा की कौन खोज कर रहा है? आपके यहाँ पर यदि सामान देखे जाएं, कितने सामग्रियाँ हैं, आपके बाथरूम में जाइए तो कितने प्रकार की सामग्री, कितने सारे क्रीम पाउडर, दुनिया भर की चीज़ें, फेस को साफ़ करना, ये आइस को साफ़ करना, ये बालों को साफ़ करने के लिए कितने प्रकार के आइटम्स होते हैं। ये सब क्या है, क्यों मैं सुंदर दिखूं, मैं बहुत अच्छा दिखूं, लोग मुझे इतना कह दें, वाह क्या बात है, आज तो तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। अरे, चंद्रमा में दाग होता है, तुम्हारे चेहरे में भी दाग है क्या, तुम्हारे चारित्र में भी दाग है क्या? इस प्रकार का नहीं, आपको नेचुरल लेना चाहिए। ये पौदलिक परमाणुओं से बना हुआ शरीर है, पुद्गल की वर्गणाएँ हैं, और ये पुद्गल तुम नहीं हो, तुम रूपवान नहीं हो, तुम अरूपवान हो, तुम मूर्तिवान नहीं हो, अमूर्तिवान हो। तुम्हें अमूर्ति का अनुभव होना चाहिए, तुम्हें अरूपी आत्मा है, रूपी आत्मा नहीं है। ये काला, गोरा, नीला, पीला, ये सब क्या है, ये जड़ पदार्थ हैं, और जड़ पदार्थ में इतनी खुशी, जड़ होने के लिए खुशी हो रही है। क्या होने के लिए, जो जड़ में खुश हो रहा है वो जड़ जैसा ही हो जाएगा, अपितु चेतन जड़ नहीं होगी, पर जड़ जैसी भी चेतन हो जाएगी। कैसे,
एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले जाओ, वो जड़ जैसी पर्याय तो है, पृथ्वी बन जाओ, जल बन जाओ, अग्नि बन जाओ, वायु बन जाओ, ये कैसी पर्याय हैं, चेतन जीव होते हुए भी जड़ जैसे ही पर्याय हैं, और संसार उसे जड़ ही मानता है, जीव कौन मानता है, पृथ्वी को जीव कौन मानता है, जल को जीव कौन मानता है, जैनों को छोड़ करके सभी समझते हैं ये तो अजीब है, और उसके साथ अजीब के साथ जैसा होना चाहिए वैसा बर्ताव करते हैं, ये तो जैन हैं कि जो थोड़ा बहुत स्थावर जीवों की हिंसा से बचते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु का दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसे कष्ट ना हो, उसे पीड़ा ना हो, लेकिन दुनिया में तुम्हें कौन मानने वाला है, पहाड़ की पहाड़ निकाल दिए जाते हैं, जंगल की जंगल काट दिए जाते हैं, और इस प्रकार अग्नि, ये सब दुनिया भर का कितना काम होता है, कोई तुमको जीव नहीं मानता है, दया करुणा नहीं आती है, ये रूप का मद है, जिसने ऐसे रूप के मद किए तो कोई तुमको रूप अरूपी नहीं मानने वाला, जीव नहीं मानने वाला संसार में मिला। तो हमें अपनी यौवनता का, क्योंकि ये शरीर और आत्मा का संबंध जो हुआ है, तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और शरीर को मैं अपना मान करके अहंकार करता हूँ, क्योंकि जब शरीर में अहंकार होगा तो आत्मा के प्रति दृष्टि कहाँ जाएगी, तो फिर तो ये बहिरात्मा हो गया, बहिरात्मा हो गया, शरीर को ही आत्मा मानने लगा तो दर्शन विशुद्धि नहीं होगी, वह बहिरात्मा जीव बन जाएगा। इस प्रकार से हमें रूप आदि का मद नहीं करना चाहिए। हमारी आँख कितनी सुंदर है, हमारे नाखून कितने सुंदर हैं, बाल कितने मुलायम हैं, कितने बड़े बड़े बाल हैं, इस प्रकार से कान कितने सुडोल हैं, शरीर सम चतुर्थ संस्थान शरीर है, नाक बहुत अच्छी है, दांतों की पंक्ति बहुत बढ़िया हैं, इस प्रकार से एक एक चीज़ को लेकर के वो दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है और बड़े गौर से अच्छे अच्छे देखता है उसको, और ठीक करने के लिए सोचता रहता है, घंटों घंटों अपने रूप में ही, अपने शरीर में ही मदहोश हो जाता है। बोले दर्शन विशुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसको शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, और ये शरीर को ही आत्मा मानने वाला, ये रूप मत करने वाला व्यक्ति दर्शन विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, ये दोष पैदा होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, आपने जो अभी आठों प्रकार के मद बताए हैं, उनको जीतने के लिए हमें क्या विचार करना चाहिए? आठों मदों को जीतने के लिए हमें अनेक प्रकार के विचार करना चाहिए। जैसे ज्ञान मत को जीतने के लिए सोचना चाहिए कि शास्त्र कितने अपार हैं, ज्ञान कितना अपार है, शुद्ध ज्ञान बहुत बड़ा होता है, मुझे तो एक अंश की भी अनंतवा भाग संबंधी थोड़ा सा ज्ञान है, मैं इसमें कैसे अहंकार करूं? इस प्रकार विचार करके हमें ज्ञान का मद छोड़ देना चाहिए। पूजा के मद में हमें थोड़ा सा सम्मान मिलता है तो विचार करना चाहिए, ये सम्मान क्या, हम सम्मान पर विश्वास करते हैं, ये सम्मान तो छूट जाते हैं, और फिर तीर्थंकरों का कितना बड़ा सम्मान, पंच कल्याणक देवी देवता मनाते हैं, और मुझे दो चार लोग पूछ लेते हैं तो मैं उसमें अहंकार करने लग जाता हूँ, नहीं मुझे, जब वो इतने बड़े देवी देवता पूछते हैं तब वो अहंकार नहीं करते हैं, और मैं थोड़े से मैं अहंकार करने लग जाता हूँ, ये भाव रख कर के हमें पूजा का अहंकार भी मद भी छोड़ देना चाहिए। कुल और जाति के मद में मैंने त्रियंश पर्याय में कितनी कुल कोटियाँ धारण की, कितने जाति धारण की, स्त्री पर्याय धारण की, और उनमें उत्पन्न होकर कितने दुख भोगे, और आज मैं एक माता के एक पिता के कुल में पैदा हुआ और उसका अहंकार करने लगा, कितनी कुल कोटियों में पैदा हुआ और दुख पैदा किया, अथा मुझे इसका भी मद नहीं करना है। ऐश्वर्य का मद, चक्रवर्ती को देखो, भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का अधिपति होते हुए भी वह अपने ऐश्वर्य का मद नहीं करता है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं उसका मद कर लेता हूँ थोड़े बहुत वैभव का, ये तो पुण्य की संपदा है, आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय आ सकता है, सब छूट जाएगा, ऐसा विचार करके ऐश्वर्य का मद भी हमें छोड़ देना चाहिए। और अपने अंदर जो रूप का मद है कि हम अपने ऐसे रूप का मत कर रहे हैं, अरे तीर्थंकर का कितना सुंदर रूप होता है, कामदेव का कितना सुंदर रूप होता है, बाहुबली का कितना सुंदर रूप था, फिर भी वो मद नहीं करे, और हमारे पास थोड़ा सा सुंदर रूप, वो भी जड़ का है, वो भी हमारे शरीर हमारे आत्मा का नहीं है, और हम उसको लेके मत करते हैं। यदि इसमें कोई रोग हो जाए, अभी कोई बीमारी हो जाए, अभी कोई चेचक की बीमारी आ जाए, कुछ भी रोग पैदा हो जाए और रूप कुरूप हो जाए, अब मत कर पाएंगे क्या? तो ये तो पर्याय बदलती है, इसमें क्या मत करना, अभी कुष्ठ रोग हो जाए, अभी सफ़ेद रोग हो जाए, फिर क्या मत कर पाओगे? तो इस प्रकार से हमें इस रूप आदि का भी मत नहीं करना चाहिए।
आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी नित्य पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय अध्याय की पुस्तक भी छपकर आ चुकी है और तृतीय अध्याय की पुस्तक छपने जा चुकी है। आप अगर चतुर अध्याय पुस्तक के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं और प्रथम व द्वितीय तृतीय अध्याय की पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।